बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं ज्वाइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की ओर को ज्वाइन करें जय भीम साथियों मैं विशाल कुमार आज आपके लिए एक सबसे बड़ी जानकारी और एक सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं साथियों आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और आप देख सकते हो किस तरीके से बैंडेड लगा हुआ है पर साथियों वीडियो बनाना आज बहुत ही ज़्यादा जरूरी था क्योंकि साथियों हमारे बहुजन समाज के व्यक्तियों का जो अपमान हुआ है वो बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है साथियों पानी बिल्कुल सर से ऊपर जा चुका था इसीलिए मुझे आपके बीच जानकारी लेकर आनी पड़ी साथियों मैं चाहे किसी कैसी भी स्थिति में हूँ पर मेरे समाज का जो भी अपमान करेगा उसका चेहरा आपके बीच लाना मेरा फर्ज बनता है तो साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संवित पात्रा वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं संवित पात्रा को आप जानते होंगे जो कि लगातार बहुजन समाज व बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी मुस्लिम समाज के व्यक्तियों के लिए उनके मुंह से गलत निकलता ही रहता है साथियों आप अच्छी भली बात ही जानते ही होंगे साथियों आज जो कि एक ट्वीट उनका वायरल हो रहा है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है जब बहुजन समाज के व्यक्तियों के बीच वो ट्वीट आता है तो बहुजन समाज के व्यक्ति भड़क उठते हैं बहुजन समाज के व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा आक्रोश देखने को मिलता है साथियों लॉकडाउन चल रहा है पहला हम आपको मुद्दा समझा देंगे लॉकडाउन चल रहा है सभी बहुजन समाज के व्यक्ति अपने घर में मुस्लिम समाज के व्यक्ति भी अपने घर में हैं और ना तो कोई आंदोलन कर रहे हैं और ना कोई प्रदर्शन कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पीएम नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने नियम लागू किए हैं उनके नियमों का पालन करते हैं इसीलिए ना कोई आंदोलन कर रहे हैं चाहे उनके ऊपर चाहे कैसी भी घटना हो जाए पर वो आंदोलन सड़क पर इसीलिए नहीं उतर रहे क्योंकि संविधान के दायरे में रहते हैं संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करते हैं अगर जो संविधान के ही बदौलत आज जो लॉकडाउन संविधान के ही कानूनी अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन लगाया उसके नियमों का पालन करें इसीलिए वो घर से नहीं निकल रहे हैं तो साथ इस पर सम्मित पात्र क्या कहते हैं हम आपको बता दें लगातार आप स्क्रीन पर साइड में देख पा रहे होंगे ट्वीट उनके ट्वीट्स में लिखा है कि किसी ने भीम और मीम वालों को देखा है कहीं देखा है यानी कि समाज जो व्यक्ति हैं उन्होंने से पूछ रहे हैं कि भीम और मीम वालों को किसी ने देखा है तो साथियों आप ऐसे जो कि इतनी गलत कमेंट पर इतनी गलत भाषा के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे आप कमेंट बॉक्स में राय अवश्य साथियों जब ये ट्वीट्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगता है तो बहुजन समाज के व्यक्ति भड़क उठते हैं और जो समित पात्रा हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के उनके ऊपर हावी हो जाते हैं आप लगातार स्क्रीन पर एक वीडियो देख पा रहे होंगे इसमें किस तरीके से समाज के व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं इनकी टांगे खींच रहे हैं और साथियों पर इन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इनको आदत हो गई है इस सब की गलत बोलने की और गलत बुलवाने की ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा समाज यही बात बोल रहा है साथियों हम आपको बता दें कि ऐसे शब्द बहुत ही ज़्यादा गलत हैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा सकते हैं बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बहुजन समाज के व्यक्ति जय भीम बोलते हैं तो वो क्या सोचेंगे इनके बारे में राष्ट्रीय प्रवक्ता होकर ऐसी बात बोलेंगे तो समाज के बीच कैसा संदेश जाएगा ये सोचने वाली बात है तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य अवसने समित पात्रा के बारे में सम्मित पात्रा आखिर ऐसे शब्द क्यों प्रयोग करते हैं समाज के बीच बहुजन समाज के व्यक्तियों के लिए ऐसे शब्द और मुस्लिम समाज के व्यक्तियों से ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं इन सवालों से बहुजन समाज बहुत नाराज़ है और ट्विटर पर भी इनकी टाँगें खींचने में लगा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में राय अवश्य अवसने समित पात्रा के इस ट्वीट के बारे में और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में दो घंटे को बस गरीब दलित शोषित वंचितों की आवाज़ उठाने वाला यह चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में दो घंटे को बस